सोनबाग से 4 बज गए और रास्ता खुल गया और कितना ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे तो। मैप देख लो, कितना मैप में देख लो, बहुत ट्रैफिक है यार, क्योंकि यार सुबह से लोग खड़े थे यहाँ पे, 4 बजे एंट्री खुलती है तो अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत भयंकर रोड है, बहुत ज्यादा भयंकर रोड है, बहुत रिस्की था पीछे तो, ये देख लो दूसरी गाड़ी टपाने के लिए गाड़ी टक्कर मोड़ती है और ताजा बिल्कुल एकदम स्नोफॉल हो रही है ऊपर, ये देखो कैसे रोड है और ये पहाड़ी भी सरकती है यहाँ पे, बहुत खतरनाक था वो मोड़, वहां पे कम से कम आधा घंटा गाड़ी खड़ी रही क्योंकि गाड़ी टच होके निकल रही थी। ये देखो यार कैसे रोड है, वो देखो यार कितने भीड़ रोड है यार, बहुत ज्यादा बहुत भीड़ रोड है। देखो होने लग गया स्नोफॉल, मैं आपको कह रहा था कि स्नोफॉल हो रहा है, देख कितना हैवी हो गया भाई, स्नोफॉल हो गया स्टार्ट, एक नंबर मौसम है भाई, गजब का मौसम है ये, देखो स्नोफॉल चल रहा, ये देखो यार ये आगे देख यार अपने उसपे, गजब स्नोफॉल यार, गजब ये देखो यार स्नोफॉल, अबे ये देख ना इधर देख, तो ये देखो गाइस स्नोफॉल काफी हो रहा है, गजब का सीन है, गाइस होने लग गया स्नोफॉल अल्टीमेट यार, अल्टीमेट ये देखो यार मजा आ रहा, मजा गजब गजब, तो आज फाइनली स्नोफॉल भी हमने देख लिया है। कारगिल की सीमा आरंभ हो चुकी है, मतलब अभी भी कारगिल है तो वैसे 84 किलोमीटर, तो भाई लेने गया अभी पास यहाँ पे, मतलब एंट्री पास चाहिए होता है यहाँ पे, देखो ये आर्मी खड़े हैं यहाँ पे, गया वो तरुण, ये एंट्री पास चाहिए होता है यहाँ से, तरुण अभी ले रहा है और ये भाई ये भी एंट्री बंद की हुई है, क्या पता ये ट्रकों को रात को खोले क्या करे, सुबह खोलेंगे मॉर्निंग में जल्दी जो भी है। अब देखो यार पीछे तो भी काफी स्नोफॉल हो रहा था, हम करीब करीब हम पहुंच गए थे जो जिला पास, जो कि 11,000 समथिंग है, कुछ 11,000 फीट ऊपर होगा, मतलब उस पर लिखा हुआ था मैंने पीछे जो जिला पास था, जो जिला पास है 11,000 कुछ फीट ऊपर है और स्नोफॉल भी काफी हो रहा था वहां तो। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या सिस्टम बनेगा, आज तो वैसे हम कारगिल ही रुकेंगे और लेट काफी हो गए हैं, देखो सुबह के चले हुए हैं यार, पीछे भी रोक दिया था हमें 4-5 घंटे पहले रोक दिया था सोनमार्ग में, उसके बाद अब धीरे धीरे अब यहाँ पे एंट्री करवानी है, चलो ये भी अच्छी बात है। तो भाई अब हम फाइनली पहुंच गए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल जो एरिया है यहाँ पे, तो आप देखते हैं अंदर कैसा, ये देखो पीछे आप देख भी लो तरुण रहा, अब अंदर जाएंगे यहाँ से, सर्दी हो रही है भाई बहुत ज्यादा यार, पीछे स्नोफॉल भी काफी था, अंदर चलते हैं करना नहीं था। तो भाई यही है कारगिल वॉर एरिया के भी, कारगिल मेमोरियल में गया
तो ये है भाई कारगिल वॉर एरिया स्लेत में। तो वो क्या है यार, देखो जो विक्रम बत्रा की मूवी आई थी तो ये है वो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कारगिल और बड़ी मुश्किल से होटल मिला यहाँ पे, ये है होटल जोजीरा रेजिडेंसी। तो यहाँ पे यार रेस्ट करते हैं काफी तब, यार बहुत ठंडा यार बहुत ज्यादा। अब ये हमारा आ चुका है डिनर, तो ये है दाल, ये मिक्स वेज जीरा राइस और ये चपाती। और काफी टाइम के बाद सुबह से मतलब कुछ नहीं खाया एक मैगी के अलावा, काफी दिनों के बाद, काफी टाइम के बाद, दिनों के बाद जंगल में फंस गए थे हमने पत्ते खा के गुजारा किया है तरुण, हम जंगल ओए हम जंगल में फंस गए थे, हमने पत्ते खा के गुजारा किया है ना। और तुषार ने भाई अब हमारा खाना वाना तो हो चुका था, सोचा एक शेक पी लेते हैं, क्या पी रहे हैं, स्ट्रॉबेरी शेक कैसा है, थोड़ा मीठा ज्यादा बाकी बढ़िया है, गजब का। एक वो पी रहा है शेक फ्रेंड्स माय शेक शुगर हाई बटरस्कॉच लो बट माय